यस, आशा गुड करती हूँ कि मॉर्निंग मैम। सर ठीक होंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सभी बच्चे। और बेटा घर से बाहर मत निकलना बिल्कुल भी, ठीक है। अब जो तीसरी लहर है बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है, तो इसलिए घर से बाहर मत निकलना बिल्कुल भी। आपने, और मुझे उम्मीद है कि सभी ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। यस मैम, मैम बस वो क्वेश्चन आंसर्स रह गए आज वाले। हाँ आज जो सेंड किया है वो कर लेना, ठीक है। यस यस बेटा, आपका एक चैप्टर और करवाती हूँ मैं, महाभारत में चैप्टर 9, मैम लाख का घर। यस मैम बेटा, मैम क्या भेजा आपने? मैंने क्वेश्चन आंसर्स PDF नहीं भेजी बेटा, वीडियो से करो, ठीक है। रखो सभी माइक ऑफ। यस नाउ मैम ओपन योर बुक, चैप्टर 9। आपका ये चैप्टर और रीड करवा देती हूँ, ठीक है, फिर कल इसके क्वेश्चन आंसर। ऋषभ माइक ऑफ। कि पिक्चर नहीं आ रही है मैम, वॉइस इज नॉट कमिंग। मैम वॉइस इज नॉट कमिंग। यस मैम, यस बेटा आवाज आ रही है सभी को?
यस मैम, मैम पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अब आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। बताइए कितने बच्चों के पास बुक नहीं है, यहाँ जितने भी बच्चे ज्वाइन है उनमें से कितने बच्चों के पास बुक नहीं है? कौन सी बुक मैम? महाभारत। सभी के पास है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सभी अपनी बुक ओपन कीजिए और ये चैप्टर निकालिए। सभी माइक ऑफ और वीडियो ऑफ रखेंगे, ठीक है? ये चैप्टर निकालिए, लाख का घर, आपका चैप्टर 9, ठीक है? आपके बुक में ये चैप्टर 10 दिया गया है, लेकिन आपका ये चैप्टर 9 है। यस, ओपन है सभी की बुक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। यस फ्रेंड्स। यस मैम। माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ करो प्रिंस। यस देखिए आपका ये चैप्टर है प्रिंस, माइक ऑफ करो बेटा। प्रिंस मैम, मैम हमारा ओसी है। फिर आपका यहाँ कैसे आ रहा है? खड़ा खा जाओ। अक्षत माइक ऑफ। मैम माइक ऑफ। फिर ये यहाँ पर कैसे आवाज आ रही है? यस देखिए मैम माइक ऑफ ही है। माइक ऑफ है। ठीक है, आपका ये चैप्टर है, सभी को दिखाई दे रहा है लाख का घर? ठीक है, यहाँ सभी को दिखाई दे रहा है ना? आप देखिए आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम आवाज आ रही है। यस मैम। यस बेटा, अब देखिए ये आपका चैप्टर है लाख का घर। देखो इसमें क्या बताया गया है, जो ये लाख का घर है ये किसने बनवाया था? ये दुर्योधन के मंत्री, ठीक है, दुर्योधन ने बनाया था। और किसने बनवाया था? ये दुर्योधन ने बनवाया था और दुर्योधन के मंत्री पुरोचन, पुरोचन ने बनाया था, ठीक है, लाख का घर। और ये किसके लिए बनाया गया था? मैम इस घर का नाम ही हाँ लाख का घर। और ये पांडवों के लिए बनवाया गया था, ठीक है, पांडवों के लिए। किस लिए बनवाया गया था? उनको मारने के लिए, कि उनको लाख के घर में हम वहां पर भेज देंगे, ठीक है, फिर वहां आग लगा देंगे। क्योंकि लाख, लाख क्या होता है? लाख एक धातु होती है और वो क्या है, चूड़े बनते हैं। हाँ चूड़े बनते हैं, वो जल्दी आग को पकड़ लेते हैं ना। तो ये दुर्योधन और नहीं उसको युधिष्ठिर और उसके भाइयों को मारने के लिए बनवाया था। अब देखिए भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन के युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई, ठीक है। जब भीमसेन क्या थे, वो शरीर बल में सबसे आगे थे, ठीक है, शक्तिशाली थे, और अर्जुन की युद्ध कुशलता, अर्जुन क्या थे, अर्जुन युद्ध में बहुत कुशल थे, उसको देखकर दुर्योधन की जलन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। दुर्योधन उनसे जलने लगा। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और करण सलाहकार बने हुए थे। देखो कुमंत्रणा क्या होती है? कु मीन्स होता है बुरी,
ठीक है, कू मीन्स क्या होता है, बुरी। ऐसी मंत्रणा जिसका उद्देश्य कैसा हो, बुरा हो, वो होता है कू मंत्रणा। मैं उसका मामा शकुनी, ये किसका मामा शकुनी है, दुर्योधन का, और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उसको स्नेह भी काफी था। उनके भतीजे कौन थे? यस बेटा मैम, दुर्योधन ने जो लास्ट घर बनवाया था उसमें उन्हें सारे पांडवों को उसने मार दिया था, या फिर बच गए थे? नहीं नहीं, नहीं मरे नहीं थे बेटा, वो निकल गए थे वहां से, ठीक है, वहां से निकल गए थे। और देखो ये किसके भतीजे थे, धृतराष्ट्र के, ठीक है, पांडव है वो धृतराष्ट्र के भतीजे थे। तो धृतराष्ट्र क्या है, वो बुद्धिमान थे और उनको अपने भतीजों से प्यार भी बहुत था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। लेकिन जो धृतराष्ट्र से, वो अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार करते थे। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, यानी कि वो दृढ़ निश्चय यानी कि पक्का निश्चय नहीं कर सकते थे, बस ये कमी थी उनमें। पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। अंकुश, अंकुश होता है नियंत्रण रखना, ठीक है, अपने। इसी कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराहा पर चल रहा है, कुराहा होता है बुरी राह, कि बुरे रास्ते पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। किसने किसका साथ दिया बताइए? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। लोकप्रियता होता है यानी कि लोगों में वो प्रिय हो रहे थे, और दिन प्रतिदिन क्या है, वो उनकी जो लोकप्रियता है, लोगों को वो प्रिय होते जा रहे थे। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है, और जहां भी वो जाते चौराहे पर या जहां भी समाज में जहां भी सभा होती वहां पर लोग क्या कहते थे कि राजगद्दी पर तो केवल युधिष्ठिर ही बैठ सकते हैं, वही बैठने लायक है। यस, आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस मैम। रजनी? हाँ यस मैम। हाँ, वे कहते थे धृतराष्ट्र को जन्म से अंधे थे, ठीक है, वे क्या कहते थे, धृतराष्ट्र है वो जन्म से क्या थे, अंधे थे। इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। देखो लोग क्या कह रहे थे कि जो धृतराष्ट्र है वो तो जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके छोटे भाई पांडु, पांडु किसके भाई थे, धृतराष्ट्र के छोटे। यह भी मैंने पहले लेसन पढ़ाया था उसमें बताया था ना, धृतराष्ट्र थे अंबिका के पुत्र और पांडु थे अंबालिका के पुत्र, तो ये दोनों क्या थे, भाई थे आपस में। और ये उन धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन उनकी जगह कौन बैठा था सिंहासन पर, पांडु बैठा था। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब देखो उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, जब पांडव की मृत्यु हो गई। हाँ जी मैम, अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु होती है अकाल, काल मीन्स होता है समय, यानी कि समय से पहले, ठीक है, मृत्यु हो जाने पर, जो बिना कारण ही हो जाए, ठीक है, वो पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए क्या है, धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला। क्योंकि पांडव के जो पांडु है महाराज, उनके जो बच्चे थे वो छोटे थे, तो इस कारण धृतराष्ट्र ने ही राजकाज संभाला। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार। अब देखो युधिष्ठिर है वो क्या है, बड़े हो गए थे, तो लोग क्या कह रहे थे कि धृतराष्ट्र को यह राज्य अपने अधीन रखने का अधिकार नहीं है। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। ये कौन कह रहा है, ये समाज में जो सभा होती है उसमें लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के
साथ न्याय पूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। अब देखो जैसे जैसे पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती गई, ठीक है, तो क्या है, जो दुर्योधन थे वो ईर्ष्या से और भी अधिक उनसे चिढ़ने लगे। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं, जन्म से दिखाई न देने के कारण आप। यस बेटा। मैम पूर्ववासी क्या होता है? पूर्ववासी होते हैं जो पूर्व के लोग, यानी कि नगर के लोग, ठीक है, वासी रहने वाले, पूर्व में रहने वाले, नगर में रहने वाले लोग, ठीक है। मैम लोकप्रिय क्या होता है? लोकप्रिय होता है लोक, लोक मीन्स होता है संसार, संसार में प्रिय यानी कि लोगों में प्रिय, ठीक है, ये होता है। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गई। अब ये कौन किससे कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र से कह रही है, ठीक है, कि जन्म से दिखाई न देने के कारण क्या है, आप बड़े हैं लेकिन आपको जन्म से अंधे हैं, फिर भी क्या है, राज्य से वंचित ही रह गए, राज्य आपके हाथ में नहीं आया, राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। यानी कि जो ये राज्य की सत्ता है, राज्य की बागडोर है, आपके छोटे भाई, छोटा भाई कौन था बताइए? पांडु, ठीक है, पांडु के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। यदि अगर अब युधिष्ठिर राजा बन गया तो हम आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, हम तब तक राज्य प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। बताइए ये कौन किससे कह रहा है? दुर्योधन अपने पिता से। दुर्योधन खुद के पिताजी से। वेरी गुड। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए, बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है, कि हम युधिष्ठिर के विरुद्ध है कुछ कर भी नहीं सकते। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, धर्मानुसार होता है धर्म के अनुसार, सबसे समान स्नेह करता है, स्नेह होता है प्यार, अपने पिता के समान ही क्या है, वो गुणवान है, यानी कि उसमें जैसे उनके पिता में गुण थे वैसे ही उनमें भी गुण है, इस प्रकार प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं, यानी कि जो प्रजा के लोग हैं उसे बहुत चाहते हैं। यस बेटा। मैम प्रजाजन प्रजा ही होती है ना, रहने वाले लोग। हाँ हाँ, प्रजा में रहने वाले लोग, प्रजाजन, जन मीन्स होते हैं लोग, ठीक है, हाँ, प्रजा में रहने वाले लोग। यस। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावर्त के मेले में भेज दीजिए। अब देखो ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि दुर्योधन ने पांडवों को कहाँ भेजने के लिए कहा, ठीक है, कहाँ पर भेजने के लिए कहा, वारणावर्त के, ठीक है। मैं ये बेटा एक स्थान का नाम है, ठीक है, स्थान का नाम है। मैं आपको, वहां पर एक मेला लगता है और वहीं पर ये लाख का घर बनाया था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, यानी कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिकों को अपने पक्ष में मिला लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अपने पिताजी पर उसने, दुर्योधन ने बहुत अधिक दबाव दिया, ठीक है, और दुर्योधन ने कुछ और कूटनीतिकों, यानी कि जो राजनीतिज्ञ थे सभा में, और भी
जो कूट डालते थे यानी कि फूट डालते थे उनको अपने, जैसे उसके मामा थे, कर्ण थे, ठीक है, और भी थे, उनको अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। और क्या है, वे क्या है, कहां पर, धृतराष्ट्र के पास जाकर, धृतराष्ट्र के पास जा रहे थे और किसके विरुद्ध उकसा रहे थे, धृतराष्ट्र को, पांडवों के विरुद्ध। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था। अब देखो ये कर्णिक, कर्णिक कौन था, ये कर्णिक शकुनी का मंत्री था। अब बताइए शकुनी कौन था, शकुनी कौन था, दुर्योधन के मामा, दुर्योधन का मामा, ठीक है हाँ। और कर्णिक, कर्णिक कौन था, शकुनी का मंत्री था, कुंती का सबसे बड़ा भाई। हाँ आ देखो, उसने धृतराष्ट्र को, ये माइक ऑफ करो बेटा लक्षिता, उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन जो ऐश्वर्यवान, अभी बताती हूँ एक मिनट को, पहले ये सुनो। अंत में बोला राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में, अभी बता रही हूँ एक मिनट, ये लाइन तो कंप्लीट करने दो, वह वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखो क्या है, उसने धृतराष्ट्र को क्या बताया कि उसने राजनीतिक चालों के भेद के बारे में, यानी कि जो राजनीतिक चाल है, ठीक है, राजनीतिक प्रपंच है, उनके कई उदाहरण दिए, ठीक है, प्रमाण दिए, और अपनी दलीलों की, यानी कि जो अपनी बातें हैं, उनको किसके सामने रखा, धृतराष्ट्र के सामने रखा। अंत में बोला, और क्या बोला, कि जो ऐश्वर्यवान है यानी कि ऐश्वर्य से युक्त है, धन संपदा से युक्त है, वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी है, इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा, ठीक है। पांडु पुत्रों से क्या है, अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है, कर्णिक, कौन कह रहा है, कर्णिक, और कर्णिक था शकुनी का मंत्री, मंत्री, हाँ। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वर्णावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, ये दुर्योधन धृतराष्ट्र से कह रहा है कि आप किसको समझाकर, पांडवों को समझाकर वर्णावत भेज दीजिए, फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हम उनसे, हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा, यानी कि हमें उनसे कोई भी डर नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को, मैम ब्लर आ रहा है, एक मिनट आप देखिए, दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते। कौन कौन, दुर्योधन और उसके साथी, यानी कि दुर्योधन की जो कुमंत्रणा के साथी थे वो सभी धृतराष्ट्र को कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे, उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी, ठीक है। आखिर में क्या हुआ, जो धृतराष्ट्र है वो उन सबके आगे सामने कमजोर पड़ गए और क्या है, लाचार होकर, ठीक है, अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी, दुर्योधन की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठ पोषकों ने वर्णावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। अब देखिए, दुर्योधन के पृष्ठ पोषकों ने, पोषक होते हैं पालन करने वाले, ठीक है, जो दुर्योधन के जो पालक थे उन्होंने क्या है, वर्णावत की सुंदरता
यानी कि जो वारणावत स्थान है उसकी सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया, उसके बारे में बहुत कुछ बताया। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। कहां पर मेला होने वाला है? वारणावत में। उनकी बातें सुन सुनकर खुश होकर पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। अब उन सब की बातें सुनी तो पांडव भी क्या है, खुश हो गए और क्या है, वो वारणावत जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, यहां तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी। और देखो, धृतराष्ट्र ने उनसे नहीं कहा, उन्होंने क्या है, स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की आज्ञा मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। फिर जो युधिष्ठिर और उनकी माता कुंती और उनके भाई, ठीक है, ये धृतराष्ट्र की अनुमति, उनकी आज्ञा लेकर क्या है, पांडव खुश होकर उनसे विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। ठीक है, वहां से निकल गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। अब देखो, जब पांडव वहां चले गए तो दुर्योधन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने तो ये पूरी चाल ही चल रखी थी। ठीक है, वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम होता है मार देना, ठीक है, करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन, अब देखो ये क्वेश्चन बनता है, किसका मंत्री है पुरोचन, बताइए? दुर्योधन। वेरी गुड, दुर्योधन का मंत्री। अब ये एक नंबर के उसमें आ जाता है क्वेश्चन में कि दुर्योधन के मंत्री का क्या नाम था, पुरोचन। ठीक है, उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी। ठीक है, गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया। ठीक है, पुरोचन ने भी क्या किया कि जितना भी ये काम था पूर्ण रूप से, ठीक है, पूरे क्या बेटा, पुरोचन को, पुरोचन अभी तो बताया है, पुरोचन दुर्योधन का मंत्री था। ठीक है, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, पुरोचन दुर्योधन का मंत्री था। और उसने क्या है, ये क्या कहा कि जो जितना भी ये काम है पूरी सफलता के साथ हो जाएगा। तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया और उनके पीछे पीछे कौन, पुरोचन भी क्या है, वारणावत के लिए रवाना हो गया, वहां से निकल लिया। एक शीघ्रगामी होता है जल्दी जाने वाला। ठीक है, रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, अब देखो ये भी आपके एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि जो लाह का घर है वो किस किस से बनाया गया था। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, ये आवाज नहीं, कौन कर रहा है आवाज, तेल, लाख, चर्बी, ठीक है, आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। अब देखो, ये आपका एक नंबर में आ जाता है कि जो लाह का घर है वो किन चीजों से बना हुआ था, किन से बना हुआ था, सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी, और ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये जल्दी ही आग को पकड़ती है, और इन सब चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध
पुरोचन ने कर रखा था। ठीक है, अगर मान लो ये पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो उनके ठहरने के लिए एक जगह और उनका प्रबंध इंतजाम कर रखा था। प्रबंध होता है इंतजाम। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाह के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाए, यानी कि उनके मन में कोई शंका न रहे, ठीक है, कोई भी संदेह न रहे, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए। ये किसकी योजना थी? दुर्योधन की। क्या योजना थी? कि जो पांडव है उनको लाह के घर में कुछ दिन के लिए आराम से रहने दिया जाए, लेकिन जब वो निशंक, ठीक है, निशंक हो जाए, यानी कि उनके मन में कोई शंका न हो, शंका रहित तो हो जाए, तब क्या है, रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाए और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सके। और क्या होगा, जब आग लगा दी जाएगी तो पांडव क्या है, जलकर भस्म हो जाएंगे, ठीक है, भस्म होता है राख हो जाएंगे, और कौरव है उन पर कोई दोष नहीं लगा सके। यस बेटा, आ गया समझ में ये लेसन सभी को? यस मैम। यस मैम। हाँ, इसको ना एक बार और अच्छे से रीडिंग लगानी है और इसमें से वन वन नंबर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपनी रफ नोटबुक में लिखना है, ठीक है, सभी को। यस बेटा, आप कहना समझ में? ठीक है, अब आपका टाइम हो गया है कल इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। पहले आपको रीडिंग करनी है, पहले मैं सुनूंगी वन वन नंबर के क्वेश्चन इसमें से। यस मैम। फिर मैं आगे इसको एक बार और अच्छे से रीडिंग लगानी है, ठीक है। यस बेटा, आप लीव कर दो, आपका टाइम हो गया। बाय बाय मैम, थैंक यू फॉर टीचिंग अस, हैव अ नाइस डे। मैम आप यस बेटा, यस बेटा, मैम आप इस टाइम पर क्वेश्चन आंसर कर दो। बेटा मैंने वीडियो भेज रखी है, वीडियो में से देख के करो। हम जो आपने वीडियो भेजे ना उसमें से क्वेश्चन कंसर नहीं है। नहीं बेटा, सारे हैं उसमें। हम लास्ट क्वेश्चन कंसर नहीं है। नहीं है, चलो मैं भेजती हूँ, पीडीएफ भी सेंड करती हूँ, ठीक है, अभी कर दूंगी, आज कर दूंगी सेंड पीडीएफ। ओके चलो जल्दी से लीव करो।